वाहिगुरु जीओ गौड़ी निंदो निंदो मोको लोग निंदो निंदा जन को खरी प्यारी निंदा बाप निंदा महतारी रहा निंदा होए तां बैकुंठ जाइए नाम पदार्थ मन है बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हो हमरी कपरी निंदक तो निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो जो निंदा हो रहे हमारा जीवन निंदक लो रहे निंदा हमारी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उदार जानक वीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरुस्वारी सात संगत जियो, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने बख्शिश कृपा कीती है सत संगत रूप विच गरीब नवाज धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठण दा अते महाराज की पावन बाणी नाल सांझ बनाउण दा इह सुभाग समा आपां सभनां नूं प्राप्त होया है। सतगुरां दी पावन बाणी दे पाठ अते कीर्तन आप जी ने बड़े प्रेम सत्कार सहित गुरु सवारियां पासों सरवण कीते हन। रोजाना दे इन्हां दीवानां विच आपां वाहिगुरु अकाल पुरख की बख्शी हुई मत बुद्ध समर्था मुताबक भगत कबीर जी दे उचारण किए हुए पावन शब्दों की विचार करन दा ही यतन कर रहे हाँ। इसे लड़ी तहत आप जी ने हुणे ही जिस पावन शब्द का पाठ सुनिया है धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंक नंबर 339 उपर राग गौड़ी दे विच भगत कबीर जी का यह पावन शब्द सुभाईमान है। गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी विच दो शब्द अजिहे हन जिन्हां दा साडे जीवन नाल बड़ा गहरा ताल्लुक है संबंध है। एक शब्द नूं असीं हमेशा चाहुंदे हाँ ते दूजे शब्द नूं असीं हमेशा ये उम्मीद करदे हां कि ये साडे नाल ना वापरे। दूसरा साडी उस्तत करे शोभा करे वडियाई करे ये साडी सदा ही इच्छा रहिंदी है। कोई साडी निंदा ना करे असीं ये उम्मीद करदे हाँ कि साड़ी कोई भी निंदा ना होवे सानू कोई बुरा ना कहे।
गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच कई जगह दे उते किसी पंक्ति विच जां शब्द विच ये दोवें शब्द इकट्ठे भी आ जाते हैं, उस्तत निंदा दो त्यागै खोजै पद निर्बाना, भी उस्तत का भी त्याग कर देवे अते निंदा का भी त्याग कर दे। की भाव है कि किसी विच कोई खूबी है, कोई चंग्याई है, कोई भला कारज करता है, भलियाई कमाउंदा है, तो उस दी सिफत करनी नहीं बनती। संसार विच असीं महान लोकां नूं सलाउंदे ही हाँ, आकर सिफत करदे ही हां। जिहड़े जिहड़े भी महान सतपुरशां ने कोई भले दा काम कीता, कोई परोपकार कीता, कोई संसार दे उधार दा यतन कीता, नेक कमाई कीती, चंगे अमल कमाए, आपां उन्हां सारिआं नूं सलाउंदे वड्याउंदे सतकार दे सच्चा मार्ग चलदिआं उस्तत करे जहान। हजूर ने तां कहा उस्तत दा त्याग करो। इस दा की अर्थ होया? जिन्ना चिर असी किसी शब्द के भाव को नहीं समझांगे उन्ना चिर सानू कंट्राडिक्शन लगेगी कि आपा विरोध भी है। भी नाले कहा गया है जिहड़ा जीव सच के मार्ग से चलता है जहान उसकी उस्तति करता है, शोभा करता है। इस दे दो पहलू हैं। पहला इस शब्द को आपां समझिए, उस्तत दे त्याग दा अर्थ की है। पहला अर्थ इसका यह है कि अपने जीवन विच इस भुख नूं सिर ना चुकण दिओ कि सानू इस चीज़ का नशा लग जाए, लत लग जाए, आदत बन जाए कि असी अपनी शोभा सुन के खुश हुंदे रहिए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਡਿਆਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ੋਭਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਫਤ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਅਗਲਾ ਚਾਹੇਗਾ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਬੇਅਸੂਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣੀ। हर दूसरे मनुख दे कोलों खुशनूदी हासिल करन दी तुहानू आदत बन जाणी। जे मैं एक उदाहरण दें, महात्मा बुद्ध उन्हां कोल एक विद्वान आदमी आया, पंडित। हुण उहने जिहड़े उस्तत दे शब्द कहे, कहण लग्या जी तुहाडी जिहड़ी मैं शोभा सुनी है ते तुहाडे कोलों जो अज दे इस सतसंग विच मैं बचन सुने ने, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹ ਦੱਸਦੀ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ, ਸਨੇਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਵੀ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮ ਸੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਫੜਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ
मनुख कदे नहीं मिलिया। कहने लग्या जी मैं समझिया नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा, कहने लगे तू आख रहे हैं मेरे वर्गा इंसान ना पैदा होया है, ना है ना होएगा, तैनू लगता है भी मेरे वर्गा बंदा दुनिया च कोई नहीं, तो मैनू लगता है तेरे वर्गा त्रैकाल दर्शी भी बंदा अज तक मैं नहीं वेखे। कहने लगे जी नहीं मैनू तो कोई तिना कालां दी सोझी नहीं। कहने लगे जेड़ा तू बचन कीता है मेरे वर्गा पहला भी नहीं है, दा मतलब तू बीते दा ज्ञान भी बड़ा रखदा, हुण भी है नहीं, इहदा मतलब तैनू कुल मखलूक दा पता है भी इस वेले दुनिया च केवल मैं ही हाँ, तो मेरे वर्गा कोई नहीं है, ते आउण वाले समय भविख दा भी तैनू पता है भी मेरे वर्गा इंसान कोई भी दुनिया च नहीं आ सकता। इहदा मतलब है तू तिना कालां दी सोझी रखण वाला त्रैकालदर्शी होया कि ना होया, एडा वड्डा दावा कोई सधारण बंदा तो नहीं कर सकता। जिहड़ा बीते दा भी दावा कर जाए, वर्तमान का भी दावा कर दे, आने वाले वक्त का भी दावा, भविख का भी कर दे, तेरे वर्गी अपार शक्ति वाला, तेरे वर्गा तिना कालां दी जानण वाला मनुख होर कौन हो सकता। उस दे चेहरे के भाव बदल गए और पंडित ने हाथ जोड़ के कहण लग्या जी ये तां मैं केवल तुहाडी खुशी लई जिन्ना मैं वधिया तो वधिया गल कर सकदा सौ कीती है। महात्मा बुद्ध जी ने जिहड़ी उत्थे गल उस पंडित नूं कही, कहण लगे इहदा मतलब है तू मैनू नहीं जाणदा, जे तू मैनू जाणदा हुंदा ते तू मेरे नाल किसे ऐसे विशे उत्ते गल करदा जिस बारे तेरा ते मेरा लाभ हुंदा, तू इत्थे चर्चा करन विचार करन कुछ ग्रहण करन नहीं आया, तू मेरी वाह वाह खटन आया, मेरी वाह वाह तू इस करके कर रहे हैं, वह भी इन्ने वड्डे शब्दों में, तैनू पता होना चाहिए भी मैं इस भुख तो परे हाँ, तेरे शब्द मैनू बिल्कुल भी चंगे नहीं लगे। इस करके चंगे नहीं लगे क्योंकि मैं इस वासना का त्याग कर चुके हाँ, मैनू पता है जो तू कह रहा है यह गल सही नहीं, जदों मैं इस राह उत्ते नहीं सा हो सकता तदों तू मैनू यह गल कहिंदा ते मैनू चंगी लगदी, भावें मेरे विच इह गुण ना भी हुंदा जिहड़ा तू बयान कीता है फिर भी मैनू यह चंगा लगना सी, क्योंकि वड्याई प्रभता भावें उस लायक तुहाडे अंदर गुण होवे जां ना होवे तुहानू चंगी लगदी, पर हुण मैनू चंगी नहीं लगदी क्योंकि मैं सच उत्ते टिकिया होया, मैं जानता हाँ तेरी खुशनूदी दे विचो ये बोल निकले ने, यथार्थ सच विचो नहीं निकले, तेरे ये बोल किसी भी धार्मिक जग्यासु दे राह दा रोड़ा बन सकते ने, उहदे जीवन नूं कुराए पा सकते ने, उहदे अंदर वड्याई दी जग्यासा ते भुख पैदा करके उस मनुख नूं खुशनूदी लैण वास्ते प्रेरणा कर सकते ने। बोल बड़े घातक हैं, ये सधारण नहीं हैं। तो इस भाव में जिहड़ी वड्याई है उस तत है उन्हों त्यागना, तो एक दूजा पहलू है भी ये ग्रहण भी नहीं करनी तो ये किसी की भी नहीं करनी, अजिही उस तत नूं ग्रहण भी नहीं करना, इहदी तलब इच्छा भुख भी नहीं रखनी तो अपनी जबानों किसी की भी नहीं करनी। तुसी इहनूं ग्रहण करदे हो तो इहदा मतलब तुसी अपने आले दुआले झूठी वड्याई करन वालियां दा जम घटा ते भीड़ चाहुंदे हो, तुसी आर्टिफिशियल ते नकली सत्कार इकट्ठा करना चाहुंदे हो, ते जे तुसी किसे दा करदे हो ते इहदा मतलब तुसी उहनूं इह बीमारी लाउण दी कोशिश कर रहे हो, तुसी उहनूं डिस्टर्ब करन दी कुराए पाउण दी कोशिश कर रहे हो, उहनूं भी तुसी इह जाली किस्म दी खुराक दे दे के उहदे मन दी स्थिति बिगाड़ दिओ, उहदी आत्मा नूं रोगी कर दिओगे। ना इस चीज़ नूं ग्रहण करो ते ना इस चीज़ नूं दूजे नूं ग्रहण करन वास्ते परोस के दिओ। इस भाव विच उस्तत दा त्यागना जायज़ है, इस भाव विच उस्तत नूं छड्डना चाहीदा है। फिर उस्तत किहदी करनी है? चंगियाई दी, जो है यथार्थ है उहनूं शाबाश, उहदी सिफत करनी। हुण दूजे पहलू विच आईए निंदा,
निंदा का त्याग की है। पहला समझिए कि निंदा की है। एक है कोई दोष है, औगुण है, मान लो किसी चोरी की थी तो उन्होंने लोग चोर ही कहेंगे, कतल कीता कातल कहेंगे, झूठ बोलिया झूठा कहेंगे, पाप कीता पापी कहेंगे। उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया सी उहदे कर्म तो। पर इत्थे भी यह वाजब है भी जिन्ना चिर सानू दूजे दे गुनाह दा इल्म नहीं हो जाता कि सचमुच ये गुनाह है, उन्ना चिर असी उस व्यक्ति विरुद्ध बोलन तो भी सानू कतराउणा चाहीदा। इस करके तुसी वेखना अखबारी बोली विच एक शब्द आउंदा है, कथित दोषी नू अदालत विच पेश कीता गया। हुण जे अखबार तो अखबार पहला ही अजे बंदा अदालत विच नहीं गया, अजे बंदे नू कोई जज ने फैसला नहीं दिता, अजे उहदा गुनाह साबित नहीं होया, अखबार पहला ही लिख देवे जां टीवी चैनल दा एंकर पहला ही बोल देवे ना कि दोषी नू पेश कीता गया, एक कातल है, एक चोर है, वह अखबार रोज ही भरी तुरिया जाए उस बंदे दी इस तरह कह कह के, ते कल वो छुट जाए तो वह अदालत च उल्टा जाएगा भी आ वेखो अदालत मानती है भी मैं दोष मुक्त हाँ, इस इन्हां बंदियां ने पिछले 6 महीने तो हर रोज़ एक पन्ने दे उते मेरी खबर लाई है कि मैं कातल भी हाँ, मैं चोर भी हाँ, मैं डाकू भी हाँ, मैं दोषी भी हाँ, इन्हां ने मेरे माण की हानि की। इस करके विचकार जिहड़े सियाणे पत्रकार विचकार एक शब्द टंगदे ने कथित दोषी, कथिया जा रहा दोषी, कि अजे साबित नहीं होया, अजे इहनूं कहा जांदा है भी ये दोषी है, भी जिन्ना चिर फैसला नहीं आ जाता, जिन्ना चिर साबित नहीं हो जाता उन्ना चिर। तो इहनूं उन्हां दी बोली विच एक सियाणप ते कानूनी पहलू भी कहा जाता कि कल नूं वो बरी हो जाए, कल नूं उहदे ते दोष साबित ना होवे, वह निर्दोष साबित हो जाए तो कल नूं सानूं अगला उलांभा ना देवे भी तुसीं की कीता। पर कई जगह ते ये गैर वाजब इस तरह के काम भी लोग करते हैं। तो गुनाह है जिथे, जे तुहानूं इलम है भी गुनाह है, जे इलम है भी पाप है तो कहो भी ये पाप है। जे तुहानूं ज्ञान नहीं है पाप का, जे तुहानूं पता नहीं है भी उन्हें कीता है कि नहीं कीता, केवल असी अफवाह उत्ते यकीन करदे हां तो इहदा मतलब है असी हो सकदा है किते हनेरे विच ही भटक रहे होईए, कल नूं गल उह ना निकले जो असी मन्नी बैठे, जो असी सुनी बैठे। ते इसका एक होर पक्ष भी है, गलत है तां गलत कहना निंदा नहीं है। तुसीं वेखदे हो भी गलत है तां गलत कहना निंदा नहीं है। निंदा किनूं कहिंदे ने फिर? महाराज ने बाणी विच कहा, भावें उत्थे किसे दा नाम नहीं लिखिया पर हजूर ने जिहड़ा वरतारा वेख्या भी राजे पाप करदे ने, रत पीणे राजे, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਰਤਾਂ ਵੀ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਰਾਜੇ, ਰੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਲਹੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਕਮ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਰਾਜੇ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके दस्या भी आ वेखो की हो रहा, इंसाफ नहीं करते बंदे, ये अपने प्रजा के हित ते भले की गल नहीं करते, इस करके रत पीने राजे कह दिता। तो ये निंदा थोड़ी है। फिर निंदा की है? निंदा का अर्थ है भी किसे विच वो ऐब नहीं है जिहड़ा तुसी जान बुझ के अपनी कथनी राही जां करनी राही बयान करदे हो ते उस विच ये दोष दसण दी कोशिश करदे हो, है नहीं तुहानू कोई उहदे नाल परसनल प्रॉब्लम है, परसनैलिटी शख्सी टकराव जिहनूं आपां परसनैलिटी कलैश कह दिंदे आ, कोई बंदा सानू चंगा नहीं लगता जां साडे उहदे नाल विचार ते ख्यालात नहीं मिलदे, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई कॉम्पीटिशन कोई मुकाबला कुछ भी हो सकता है उहदे नाल, पर वो ऐब है नहीं उहदे विच जिहड़ा तुसी दस रहे हो, इहनूं निंदा कहिंदे ने।
ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿਣਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਕੰਡਾ ਆਖੋਗੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਕ ਹੋ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖਣਾ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਖਣਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪਏ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਣ, ਕਈ ਜਾਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਆਹ ਐਬ ਹੈ, ਆਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਜਨਕ ਉਹ ਖਰੀ ਪਿਆਰੇ। ਖਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਸਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਐਬ, ਇਹਦੇ ਦੋਖ ਸਾਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਐਬ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗੰਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਗੰਢ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲੰਮੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਨਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਸ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ। ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਿੰਦਕ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਐਬ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਤਰਕ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਐਬ ਇਹ ਕਥਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ
निंदा होए तां बैकुंठ जाइए, सहज आत्मक सुख विच जाइदा है, क्योंकि वह तुहानू अवेयर सुचेत रखता, वह तुहानू दसदा रहिंदा भी इधर टोह है, इधर खूह है, वेख्यो डिग ना जायो, वेख्यो डिग ना जायो। किते ना किते एक पहलू ते आके तुहाडी सहायता भी कर जांदा, वो तुहानू दसदा रहिंदा भी अगे रस्ता खराब जे, अगे खतरा है, अगे खतरा है। ते अगली गल, नाम पदार्थ मनै बसाई है, ये नाल की हुंदे, जदों तुसी उहदे दसे ऐबां तो अवेयर ते सुचेत चेतन हुंदे रहिंदे हो, फिर तुहाडा ध्यान सारे दा सारा गुण कमाउण, वाहिगुरु की सिफत ते वाहिगुरु के नाम नूं हिरदे च धारण करन उत्ते चंगे पासे वल लग्या रहिंदा। पर नाल ही उन्होंने अगला बचन कहे, हृदय शुद्ध जो निंदा होए, इन्हें भी कोई मेरा ऐब कहिंदा ते मैं इहनूं निंदक कह के ते पल्ला छुड़ा लवां। असी इन्हां शब्दां की बड़ी गैरवाज वरतों करदे हां। इत्थे भगत जी ने फरमाया कि तुहाडा हिरदा शुद्ध है, जे तुहाडा हिरदा शुद्ध है, अंदरों तुसी पाक ते साफ हो, उस ऐब तो रहत हो, ते फिर भी कोई तुहानूं जाण बुझ के वो ऐब तुहाडे विच दसण दी जां फिट करन दी कोशिश करे जिहड़ा तुहाडे च है ही नहीं, फिर वो गलत है। अगे जाके कहिंदे ने, हमरे कपड़े निंदक तोए, वो मेरे मानो कपड़े धोंदा, मेरी गंदगी साफ करदा, मैनू मैल तो बचाउंदा, ये मैल मैनू लगे ना, ते जे किते मैनू लगे ना भी इहदी जो ये कहिंदा किते थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम हो भी सकदी, मैं उदों ही अपने आप नू अपने अंदरों ऐब मुक्त कर लैना। फिर फरमाउंदे हन, निंदा करै सो हमरा मीतो, ते मेरा मित्र है मैनू सुचेत करन वाला, मैनू बचाउन वाला। दानिया ने आख्या, दुश्मन जे तुहाडा औगण दस रहा होवे तां समझो किसे पहलू ते आके तुहाडी मित्रता निभा जांदा, जे तुहाडे चो औगण है ते उहने तुहानू कह दिता है वी इह तेरे च प्रॉब्लम है, वी इहनू ठीक कर लई, ते समझो उहने वड्डी मित्रता निभाई है। ते जे मित्र तुहाडे औगण ते परदा पा के उहनू चंगियाई दसदा है, ते समझो तुहाडे नाल दुश्मनी कमाउंदा है, आउण वाले समें च तुहानू किते ना किते बड़ी वड्डी खता खाणी पए। मन उह इह चाहुंदा है वी इह गंदे कपड़े गल पाई रखे, इह मैल नाल भरिया रहे, ते जिस दिन इह मैल दुनिया सामणे आई, खलोणा उस मित्र ने तुहाडे कोल नहीं, जिहड़ा अज साढ़े अंदर दे ऐब नूं चंगियाई दस दस के ढक रहा है ना, कल नूं उहने साडा मित्र नहीं बनना, क्योंकि उहने तां साइड लै जाणी है। इत्थे जाके फरमाउंदे ने, निंदक माए हमारा, मेरा चित मेरा ध्यान उहदे च रहिंदा वी उह की कहिंदा है, ते जो कहिंदा है उह किते सच ते नहीं, जे नहीं सच ते फिर भी मैं सुचेत हो जाणा। निंदक सो जो निंदा हो रहा है, फिर इत्थे दसदे ने वी निंदक कौन है, जिहड़ा ऐब विच ही सुरत रखदा हमेशा। हुण डेफिनेशन दे दित्ती ना, निंदक उह है जिहड़ा ऐब विच ही सुरत रखदा है, 24 घंटे उस दी सुरत दूजे दे ऐब विच रहेगी, कमी विच रहेगी। हमरा जीवन निंदक लो रहा है, कबीर जी कहिंदे मैं समझदा अजिहा व्यक्ति जिहड़ा है वह मेरा चंगा जीवन चाहुंदा है, वह मैनू इन्ना सुचेत करता रहिंदा है कि मैनू किते ठेडा ना लगे, किते अड़चन ना आवे, मैं किसे मुसीबत च ना फसा, इवें वह मेरे जीवन का भला भी लोड़ दे। निंदा हमरी प्रेम प्यार कहिंदे ने, उहदे द्वारा कीती गई बयानबाजी नू मैं प्रेम नाल सुणदा, हित नाल ध्यान नाल वाचदा। फिर कहिंदे ने, निंदा हमरा करे उधार, ते मेरा भला भी कर जांदी, मानो मैं इस जहर नूं भी दवाई वांगू लैंदा। फिर कहिंदे हन, जन कबीर को निंदा सार, परमेश्वर दे प्यारे इस कबीर दे लई उहदे वल्लों कीती बयानबाजी कई वार श्रेष्ठ हो निबड़दी है। निंदक डूबा हम उतरे पार, वह बेचारा ओगण फोड़ फोड़ के 24 घंटे सारा जीवन, सारी एनर्जी, सारे श्वास, सारा समा जीवन का ऐबां विच ही सुरत टिकाई रखदा है,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਔਗਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਬਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੋਸਥਿਤੀ, ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।